हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट सतीश चंद्रा और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युगांश मेडिकोज पे। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बहुत ही एक सामान्य सा विषय है जिसे हम कहते हैं एडिमा। दोस्तों, एडिमा को हिंदी में सूजन भी कहा जाता है। दोस्तों, कई आपने ऐसा पेशेंट्स को देखा होगा जिनके चेहरे पर या फिर हाथ या पैरों पर कई बार आपने सूजन देखे होंगे। दोस्तों, देखने में तो ये बहुत ही एक सामान्य सी स्थिति है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से अगर इसके बारे में अगर आप चर्चा करें तो एक बहुत ही गंभीर समस्या के सिग्नल भी होता है। दोस्तों, चेहरे पर सूजन आना या फिर पैरों पर सूजन आना, ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की एक गंभीर बीमारी आपके शरीर में दस्तक दे रही है। और यदि आपने उसका डायग्नोसिस या फिर अपने फैमिली डॉक्टर के थ्रू अगर इस चीज़ को जल्दी ही इसकी रोकथाम नहीं करी तो आपको इस सूजन के एक बहुत ही घातक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, सूजन हमेशा दो जगह पर ज़्यादातर पाई जाती है, पहला चेहरे पर और दूसरा घुटनों से नीचे पैरों पर। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में अंत तक ये ज़रूर बताऊँगा कि अगर कहीं पर भी आपको सूजन दिखाई पड़े तो आप कैसे पहचानेंगे कि इस सूजन से किस प्रकार की बीमारी हो सकती है और कहां पर सूजन होने से किन किन बीमारियों में लक्षण ये देती है। दोस्तों, जनरली सूजन तभी आती है जब आपको या तो आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, या आपके लिवर में प्रॉब्लम है, या फिर आपके किडनी में प्रॉब्लम है, या आपके आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर प्रॉब्लम है, और सबसे प्रमुख यानी कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस प्रकार की अन्य कोई समस्या है, तो आपको सूजन एक संकेत के रूप में बताएगी कि आपको गंभीर बीमारी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको चेहरे पर सूजन आ रही है, यानी कि अगर आपको दिख रहा है कि आपके इस पार्ट में आंखों के नीचे एक हैवी फैट अगर आपको डिपोजिशन दिखाई दे रहा है, यानी कि सूजन दिखाई दे रही है खासतौर से चेहरे पर, तो ये सबसे प्रमुख लक्षण होता है आपकी किडनी में प्रॉब्लम होने का, यानी कि रीनल डिसऑर्डर्स का होना। और दूसरा, एनीमिक कंडीशंस में चेहरे पर सूजन आती है, यानी कि खून की कमी का होना या एनीमिया का होना, जो कि ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, यह आपको संकेत देता है आपके चेहरे पर सूजन से। दूसरा, यदि आपको किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको रीनल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें भी चेहरे पर सूजन ज़्यादातर दिखाई देती है, और आप उसी वक्त अपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उसके बारे में सारी मेडिकेशंस ले सकते हैं, अन्यथा ये बहुत ही एक गंभीर बीमारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो पैरों पर जो सूजन आती है दोस्तों, वो आपको संकेत दिखाती है कि या तो आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन संबंधित बीमारी भी हो सकती है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से संबंधित बीमारी भी हो सकती है, या फिर हाइपोप्रोटीनीमिया भी हो सकता है। दोस्तों, हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब होता है आपके ब्लड में प्रोटीन की जो स्थिति है या क्वांटिटी है उसका कम हो जाना। इसके लिए आप प्रोटीन डाइट बढ़ा सकते हैं, आप अंडे खाइए, दालों को खाइए, चने खाइए, पनीर खाइए। इसका मतलब कि जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है आप उसको खा के भी और अपने आहार में उसको लेके आप प्रोटीन की कमी को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार एक और भी कंडीशन होती है जो जनरली इन सब से थोड़ा सा दूर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिलियासिस, यानी कि फाइलेरिया। दोस्तों, हिंदी में इसको फील पाँव भी कहा जाता है। आमतौर पर ये बहुत ही एक रेयर कंडीशन है, अब ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है, जनरली ये एक मच्छर की बाइट के कारण होता है। तो अगर पैरों में सूजन है तो 1-2% कभी कभी ये कंडीशन भी हो सकती है कि आपको फाइलेरियासिस भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको अगर जनरली सूजन से संबंधित कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं तो एक सिंपल सा उपचार मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से आप ज़रूर एक बार परामर्श कर लीजिएगा या फिर पूछ लीजिएगा। मैं जो ब्रांड बता रहा हूँ उसका नाम है आपको लेसिक्स 40 mg। दोस्तों, लेसिक्स 40 mg में जो सॉल्ट आता है, जो मॉलिक्यूल आता है, दैट्स फ्रूसमाइड 40 mg। इसको सुबह और शाम लेते हैं। इसको लेने के बाद में आपको टॉयलेट की जो कंडीशन है वो थोड़ी बढ़ जाती है, आपको बार बार पेशाब आएगा, जिसके कारण वाटर कंटेंट जो है बॉडी से वो रिलीज़ होगा और आपको सूजन में काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। एक और कंडीशन भी होती है दोस्तों, लास्ट में चलते चलते वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन की कंडीशन। कई बार आपने देखा होगा सूजन होने के कारण पैरों के नीचे पिंडलियों के पास में आपको नीली नली नसें बाहर उभरी हुई दिखाई देती हैं।
ये भी एक बहुत ही गंभीर संकेत है। ऐसा संकेत होने पे आप तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करें और संबंधित दवाइयां लेना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद, और इसी प्रकार से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, और एडिमा से संबंधित यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, और इसी प्रकार से मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, और अन्य ढेर जानकारियाँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अन्य वीडियोज़ में भी देता चलूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।